बहुत सारे सवाल, बहुत सारी क्वेरीज इस कार को लेकर लगातार आ रही थी और आखिरकार हमें इस गाड़ी को रफ्तार में लेकर आना ही पड़ा। इतने सारे सवाल आ रहे हैं, इतने सारे लोगों ने कहा कि उन्होंने फैसला रोक रखा है, जब तक रफ्तार में देखेंगे नहीं इस गाड़ी के रिव्यू को। तो आज हमने इसी गाड़ी को पहली नज़र में देखने के लिए कि कैसी है, चलाने में कैसी है, क्या ऑल्टो के विकल्प के तौर पर आप इसे चुन सकते हैं कि नहीं, ये सब समझने के लिए लेकर आए हैं रफ्तार में। तो पेश है आपके लिए रेनो क्विड। इस क्विड का डिज़ाइन सबसे अहम है हमारे हिसाब से, क्योंकि इस पर नज़र जाते ही सबको लगता है कि हाँ, एक बहुत ही स्पोर्टी एक एसयूवी नुमा छोटी सी गाड़ी आई है, जिसमें सबसे बड़ा रोल है इसके क्लैडिंग का और इसके जो व्हील आर्चेस हैं, दोनों ही काफ़ी उभार के साथ आए हैं और ये इसको काफ़ी स्पोर्टी लुक दे रहे हैं। और व्हील आर्चेस और क्लैडिंग के अलावा जो बहुत ही आकर्षक का पहलू इस कार के बारे में लगता है वो है इसका फ्रंट ग्रिल, काफ़ी आकर्षक और स्पोर्टी इसे बनाया है। जो पूरा जो फील दिया गया है वो काफ़ी स्पोर्टी दिया गया है और इस सेगमेंट की गाड़ी में अक्सर ये होता नहीं है और इस वजह से ये काफ़ी आकर्षक वैसे भी लग रहा है। काफ़ी स्मार्ट है, न सिर्फ ऊपरी बल्कि बम्पर के साथ जो आप पूरा डिज़ाइन देख रहे हैं, आकर्षक, काफ़ी कंटेम्प्रेरी और स्टाइलिश। तो डिज़ाइन में जो डिटेलिंग है वो मुझे आकर्षक इसके व्हील कैप में भी लगी है, जिसमें आप जो लेस देख रहे हैं वो एक फील देते हैं अलॉयज की, दूर से अगर आप देखें तो। अब इस क्विड में ड्राइवर सीट पर बैठते हैं और यहाँ पर क्या नज़ारा है वो आपको मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ। बैठते ही आपको एक आकर्षक छोटा सा स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है अच्छे फिनिश के साथ, अच्छा डिज़ाइन के हिसाब से अंदर भी आपको लगभग वही फील महसूस होगी कि कंपनी के डिज़ाइनर्स ने मेहनत की है कार के इंटीरियर्स में भी। तो आप यहाँ इस हिस्से को देखकर आपको नहीं लगेगा कि हाँ, एक 3.5 लाख रुपए के आसपास की एक शोरूम कीमत या एंट्री लेवल की किसी कार में आप बैठे हैं, चाहे छोटे छोटे एलिमेंट्स हों, जहाँ क्रोम आपको दिख रहा है, मेटालिक साथ में ब्लैक एनामेल फिनिश टाइप का जो पूरा माहौल बीच में आपको देखने को मिल रहा है, जो डैश में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल है वो मुझे स्मार्ट सा लग रहा है। इसके अलावा जो फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ जिस फीचर्स के बारे में आप चर्चा सुन ही चुके होंगे, मल्टीमीडिया डिस्प्ले है, एक बड़ा सा स्क्रीन है और इस छोटी गाड़ियों के सेगमेंट में इस तरह का फीचर अपने आप में बहुत ही नया है। और जो स्पीडोमीटर है वो डिजिटल है और पावर विंडो जो आगे के दोनों खिड़कियों का कंट्रोल है वो आपको एसी कंट्रोल के ठीक नीचे यहाँ पर डैश के नीचे दिखाई देगा। और आमतौर पर जो गाड़ियों में हम बीच में देखते हैं और या फिर दरवाजों पर देखते हैं वो आपको कंट्रोल यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर स्विचेज और नॉब्स फंक्शनल हैं, आपकी पहुँच में है, मैं इन्हें बहुत आराम से हैंडल कर पा रहा हूँ, कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अगर मेरे स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं भी है तो भी मेरे हाथ बहुत आराम से पहुंच रहा है इसके म्यूज़िक या ऑडियो कंट्रोल के ऊपर। हालांकि एक वजह यह भी है कि साइज़ इसका बहुत छोटा है, छोटी सी गाड़ी है इस वजह से भी, लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं आगे बैठूं और मैं कहूं कि क्या मैं महसूस कर रहा हूं, तो एक तो मुझे कंटेम्प्रेरी और स्टाइलिश ये लग रही है, दूसरी डिसरप्टिव लग रही है। डिसरप्टिव इस वजह से क्योंकि जो अभी तक सेगमेंट में नॉर्म चला आ रहा है, आमतौर पर हमने ऑल्टो को देखा, ऑल्टो को चैलेंज करने के लिए इओन आई, उसको उन सब में अगर फीचर्स और अप्रोच की बात करें कंपनीज़ की, तो उसमें एक बहुत अलग तरह के अप्रोच के साथ रेनो आई है, जो मुझे लगता है कि बहुत आकर्षक है और ग्राहकों के जहन में ये बात अटकेगी कि हाँ, ये कुछ खास चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुझे नज़र डालनी चाहिए। अब मैं इस पिछली सीट पर बैठा हूँ, यहाँ पर उम्मीद होती है कि दो लोग आराम से बैठ सकें, मेरी हाइट के लिए यहाँ पर मामला थोड़ा सा टाइट है, लेकिन आम हिंदुस्तानी हाइट के लिए 5.5-6 फीट की हाइट के लिए ये जो काम चलाओ जगह है। पूरी सीट की अगर बात करें तो हाँ, दो लोग तो आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन वहीं अगर तीसरा बैठेगा तो जैसा हिंदुस्तानियों को हम सभी को आदत है एडजस्ट करने की, तो एडजस्ट करके 3 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। लेकिन थाई सपोर्ट ठीक ठाक है, बैक सपोर्ट भी ठीक ठाक है, हाइट अगर हेडरूम थोड़ा सा और रहता तो और रूमी सी लगती है गाड़ी। पिछले सीट पर मुझे थोड़ी सी निराशा हुई जगह के मामले में। चलिए, अगला सीट जो था वो इम्प्रेसिव था, दूसरा बहुत इम्प्रेसिव नहीं। बूट स्पेस कैसा है, एक नज़र डालते हैं उस पर। तो यहाँ पर अब क्विड के पीछे जगह कितनी है सामान रखने की वो देखते हैं, और सामान रखने की जो जगह है पहली नज़र में ही मुझे इम्प्रेसिव लग रही है। ये ख़ास USP ज़रूर कही जाएगी क्विड की मेरे हिसाब से, जहाँ इस सेगमेंट की गाड़ियों में आपको सामान रखने की जगह काफ़ी कम मिलती है, लेकिन दूसरे रो में भले ही थोड़ी सी जगह आपको कम लगे, लेकिन यहाँ सामान रखने की जगह ठीक ठाक निकाल कर दी गई है। और यहाँ पर मैं इस बैकरेस्ट को हटा रहा हूँ और आप देख सकते हैं जगह का विकल्प और ज़्यादा बढ़ जाता है। जो स्पेस है पिछले, अगर आप आगे की 2 सीटों को रखें, पीछे सामान रखना है, काफ़ी जगह मिल जाएगी। ये मेरे हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्प्रेसिव है।
बाहर से जितने भी स्पोर्टी लगे और बहुत से एंथुजियास्ट से सोशल मीडिया पर भले ही इसके इमेजेस को देख के इसे एसयूवी नुमा कहें, लेकिन जब आप अंदर बैठते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये 800 सीसी वाली ही गाड़ी है और इसकी ताकत आपको थोड़ी सी कम लगेगी जब आप इसे भरी ट्रैफिक में इसे निकालने की कोशिश करें। वहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ ये 800 सीसी गाड़ी किस तरह से बिहेव करती है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ताकत होती तो और अच्छा होता और बेहतर इसको हैंडल करना होता। लेकिन जब इसे आप 40-50 की स्पीड से ऊपर ले जाकर क्रूज करते हैं खुली सड़क के ऊपर, तब इसका प्रदर्शन मुझे संतोषजनक लगता है और उस वक्त ये काफी स्मूथली आगे भागती है। आखिरकार कह सकते हैं कि क्विड अपने सेगमेंट में कई मामलों में खास है। पहली बात तो ये कि अच्छी कीमत पर उतारी गई है, वहीं इसका 25 से ऊपर का माइलेज सबसे बेहतर है सेगमेंट में, और हाँ ग्राउंड क्लियरेंस भी सेगमेंट में बेहतर 180 mm का। तो लुक के मामले में सालों बाद किसी कंपनी ने काम चलाओ डिजाइन से आगे जाकर इस सेगमेंट के ग्राहकों को स्टाइल स्टेटमेंट देने के लिए कुछ विकल्प दिया है। कार के अंदर डिजाइन भी तरोताजा लग रहे हैं, 7 inch का मल्टीमीडिया स्क्रीन से लेकर एयरबैग तक का विकल्प, तो छोटी कारों के सेगमेंट में बेशक एक बोल्ड और स्टाइलिश विकल्प रेनो की क्विड के तौर पर आई। अब पूरा दारोमदार रेनो पर है कि ग्राहकों में वो ऐसा भरोसा पैदा कर पाए जो मारुति के डीलरशिप से ग्राहकों को यहां खींच लाए।